G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया की महाशक्तियां एक मंच पर दिखाई दी। भारत G20 समिट के जरिए तमाम बड़े देशों को साथ लाया, जो भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस सम्मेलन के नतीजों की खूब सराहना की जा रही है। पूरी दुनिया में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का डंका बज रहा है। G20 सम्मेलन की अपार सफलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भारत लोक शिक्षा परिषद और युवा मंथन मॉडल G20 ने हाथ मिलाया है, जिसके अंतर्गत एकल विद्यालय के माध्यम से देश भर के 20,000 गांवों में लगभग 5,00,000 छात्रों को G20 के प्रति जागरूक किया जाएगा। युवा मंथन मॉडल G20 भारत लोक शिक्षा परिषद के साथ मिलकर G20 के प्रचार प्रसार में सहयोगी के रूप में काम करेगी और G20 को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करेगा। भारत लोक शिक्षा परिषद जो कि 20,000 से ऊपर विद्यालय चला रहा है और एकल जो 1,00,000 से ऊपर विद्यालय चला रहा है छात्रों के लिए, और उसके अंदर उन्होंने जाकर शिक्षा का पूरा G20 के बारे में विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करी, और उस जागरूकता के कारण आज G20 जो है गांव-गांव में अपनी पहचान बना चुका है। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 नेशंस कहते हैं, लेकिन इसमें 56 से भी ज़्यादा नेशन है। आज अफ्रीका के भी राष्ट्र इसमें जुड़ गए हैं। इस अभियान में युवाओं ने देश के सामरिक, आर्थिक, कूटनीतिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। युवा मंथन मॉडल G20 का मकसद युवाओं को एक मंच देना है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एकल विद्यालय में G20 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। BLSP के राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता, राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता इस अभियान की देखरेख कर रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली के द्वारिका में स्थित मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल मॉडल G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान सुनील गुप्ता ने एकल विद्यालय और G20 के बारे में बात की और युवाओं को आगे बढ़ने का मंत्र दिया। इस कार्यक्रम के आयोजकों का कहना है कि आज दुनिया में भारत के युवाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है और वो वैश्विक स्तर की समस्याओं का समाधान करके योगदान देने की क्षमता रखते हैं। दुनिया की सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं से संबंधित मामलों पर युवा मंथन मॉडल G20 एक वैश्विक मंच देता है।